एक हफ्ते बाद भोपाल लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। इसके पहले वोटरों को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसके तहत वे भोपाल लोकसभा में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इस यात्रा की शुरुआत आज शनिवार को उन्होंने भोपाल मध्य सीट से की। इस दौरान भारत टॉकीज के पास लोगों ने उनके लिए सड़कों पर फूल बिछाकर उनका स्वागत किया। ऐतिहासिक स्वागत हुआ है आज दिग्विजय सिंह जी का। ये भोपाल की एकता और उसके प्रति हुआ है। जिस तरह सिरका पस्ती फैला के भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति नहीं थी, जिसको जैसे उमा भारती यहाँ पर आई थी वो चुनाव जीत के चली गई थी और उनको भगा दिया गया था, इसी तरह इनको भी भगा दिया जाएगा। इसलिए बीजेपी से लोगों से कहना है कि फौरन छोड़ो, कांग्रेस ज्वाइन करो, ये सब तुमसे खेलना है और कब तक खेलते रहेंगे। इसलिए आप सब राजा दिग्विजय सिंह, वो एक हिंदू नेता है, वो सच्चे नेता है और हिंदू मुसलमान के प्रति काम करते हैं। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।